एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी, बीजेपी के तर्ज पर पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी की प्लानिंग जारी है। 20 दिनों में 2300 ब्लॉक का गठन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट करती है, बूथ मैनेजमेंट काफी बेहतर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसी तर्ज पर कांग्रेस भी अब बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है, क्योंकि 2022 की जो जंग है अब ज्यादा दूर नहीं है और इसीलिए उस किले को जीतने के लिए जमीन को, जड़ को मजबूत किया जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका की प्लानिंग जारी है। 20 दिनों में 2300 ब्लॉक का गठन किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इस पूरी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कल लखनऊ के दौरे पर पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद का पहला दौरा है ये। सिसोदिया कल लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है आम आदमी पार्टी। बिजली बिल को भी मुद्दा आम आदमी पार्टी ने बनाया है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कल लखनऊ पहुंच रहे हैं और आपको याद दिला दें कि मनीष सिसोदिया ने सिद्धार्थनाथ सिंह की उस चुनौती को भी स्वीकार किया है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के पर बहस की बात कही गई थी। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।